कैसे हैं आप? आज है 11 तारीख, सैटरडे है आज, और 7:50 हो गए, यानी कि 8:10 है। और मैं हूँ किचन में, और मैं क्या करने वाली हूँ बताने वाली हूँ। कल क्या किया मैंने वो बताना है। हाँ, तो कल मैंने क्या किया कि कल शाम को मैं 7 बजे मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली गई थी बंगला साहब। असल में पता है क्या, कल फ्राइडे था, तो उसने स्वाति ने मुझे बोला था कि फिर 2-3 दिन पहले ही बोला था कि आप ना काले चने की वो सूखे काले चने नहीं होते, प्याज व्याज डाल के बनाते हैं बिना ग्रेवी वाले, जिसे पुमड़ियाँ भी कहते हैं, वो बना देना, मुझे बांट दूंगी। तो कल उसके पास टाइम था नहीं इतना, तो उसके कहने पर मैंने ना डिब्बा भरा हुआ था, मैंने देखा काले चने पड़े थे मेरे पास, तो मैंने भिगो दिए ऐसे 3-4 घंटों के लिए कल दोपहर को। फिर शाम को अच्छे से उबाल के और उसके बाद मैंने ना उनकी पुमड़िया बना के, स्टील का जो दूध का डिब्बा है ना दोबारा, उसको आधा आधा ही हुआ, वो उतना आधा हो गया, तो वो मैंने उसकी पुमड़िया बना के तैयार कर ली थी। और फिर मैं मेरे हस्बैंड चले, हमने सोचा कि घर के जो सबसे नज़दीक गुरुद्वारा है ना, वहाँ पर देंगे पहले, उसके बाद बंगला साहब जाएंगे। तो अब जैसे हम घर से निकले, थोड़ा सा अभी वॉकिंग चल रही थी मतलब स्टैंड तक जाने के लिए, आधे रास्ते में एकदम से बरसात शुरू हो गई, धीरे धीरे शुरू हुई, हम चलते गए और फिर वहाँ पे स्टैंड पे जाके खड़े हुए, तो मैंने अपने फिर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, 7:15 के करीब बहुत तेज़ बरसात स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने कहा अब ये डोलू पकड़ के मैं अगर नानक साहब जाऊँगी तो अच्छे से बढ़िया से भीग जाएंगे, गुरुद्वारे जाना है फिर भीगे हुए जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने स्टैंड पर खड़े रहे, अब क्या बस स्टैंड से बस आनी थी, उसमें बैठना था और उसके बाद बंगला साहब क्या उतर दो, ठीक है, तो वहीं खड़े रहे हम। और फिर वो आके क्या करते बस आई, हम चढ़े सीधे बंगला साहब से जो उतरे। फिर मैं पहली बार मैंने ऐसा किया, फर्स्ट टाइम किया था कि कोई चीज़ बना के मैं बंगला साहब लेके गई थी। इससे पहले अगर मैं कुछ कभी बनाती भी थी ना, तो मैं नानक साहब गुरुद्वारी होती थी, जो हमारे घर के नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, बंगला साहब कभी दिया नहीं था मैंने। तो अब फिर हमने डोलू पकड़ा हुआ मेरे हस्बैंड ने, और पता है 2 महीने का मेरा दसवंध भी जमा हो गया था जो मुझे डोनेट करना था, तो मैं उसके लिए बहुत दिनों से प्रोग्राम बना रही थी बंगला साहब जाने का, बना गया कल शाम को बना। और जैसे भी निकले बारिश स्टार्ट हो गई, फिर भी हम गए, जो बैठ गए बस में, बस से उतर गए वहाँ पे और फिर जाके सीधे लंगर हॉल में गए, जहाँ पे लंगर मतलब जहाँ पे वो खाना बन रहा होता है, बांट रहे होते, वो थोड़ा सा अलग होता है ना, जब बन रहा होता है वहाँ गई। तो मैंने उन्हें बोला मैं छोले लेकर आई हूँ, काले चने लेकर आई हूँ, तो ये मेरे को देने हैं। तो उन्होंने क्या करा, 2 मिनट वेट कराया, क्योंकि वो खुद ही बांट रहे थे डाल डाल के, इतने बड़े बड़े पतीले होते हैं उनके, तो एक पतीला थोड़ा खाली होने वाला था, ठीक है, उसमें ना वो राजमा थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो ना एक खाली बाल्टी थी उनके पास, तो उसमें मेरे सारे कलेट लिए, तो एक बुजुर्ग जो थे सेवादार, वो राजमा की सेवा कर रहे थे, मेरा राजमा डाल डाल के आगे दे रहे थे बाल्टी में डाल कर, पतीले से बाल्टी में कन्वर्ट कर रहे। मुझे कहता है आपको राजमा लेने हैं, पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो ले लेती हूँ, 1-2 कड़छी ले ही लेती हूँ, तो फिर साथी को पसंद है राजमा। तो फिर मैं कहा उन्होंने 3 कड़छियाँ डाल दी, इतनी बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती, मैंने कहा नहीं और मत डालो, उनका बस से डिब्बा ही फटे थे, पर उसके बाद राजमा ही खत्म हो गए थे। फिर हमने क्या करा, जब लंगर खाया ना, तो लंगर में हमें रोटी मिली थी, मीठे चावल और दाल मिली, और हमारे चने तो थोड़े से थे, थोड़े से लोगों में बट गए होंगे, हमें तो मिले नहीं, ठीक है, और राजमा भी नहीं मिले लोगों को, मतलब वो भी ख़त्म हो गए थे, और वो कुदरती मेरे घर आ गए, अभी तक पड़े हैं मेरे, आज दोपहर को हमने खाए हैं, बहुत ही टेस्टी थे राजमा, गुरुद्वारे के अभी भी पड़े हैं, पर अभी थोड़े से पड़े हैं और राजमा। और कल जो चने बनाए थे ना, वो मेरे थोड़े से बच भी गए थे, क्योंकि जो मैंने कढ़ाई भर के बनाए थे ना, वो सामने कढ़ाई पड़ी है, जो भर के बनाए थे उतना ही स्पेस था उस कढ़ाई में, ज़्यादा था नहीं, इसलिए वो मेरा आधा ही डोलू कर पाया। अब ये वाले पड़े हुए अभी थोड़े, तो मैं सोच रही हूँ जो उबले हुए पड़े हैं ना, इनको मैं आज ग्रेवी वाले वो रात को बना लेती हूँ, ग्रेवी वाले मतलब सब्जी बना लेती हूँ, ठीक है। और बस अभी मैं ना क्या करने वाली हूँ आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये दिखा देती हूँ, ये देखिए चने मेरे उबले हुए पड़े हैं, फ्रिज में पड़े से अभी निकाले हैं, उनको मैं ग्रेवी वाले रात के लिए बना लूँगी, ठीक है। और ये दिखाती हूँ आपको, ये मेरी अभी बेसन के गट्टे की सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई है, आज रात को ख़त्म हो जाएगी है। और ये जो है ना, ये राजमा अभी जो गुरुद्वारे से लाए हुए पड़े हैं, अभी रात को ये भी ख़त्म कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ी होनी चाहिए। रोटी बनाऊंगी या चावल ये मैं डिसाइड करूंगी। और ये देखिए क्या सामान रखा है मैंने, मूँगफली रखी है कच्ची, और ये जो है ना इसमें अखरोट बादाम और काजू तीनों मिक्स करके रखे हैं कटोरी भर के, ये गोंद है, ठीक है, और ये मखाने हैं, आटा है, ये मेरा जो है ये देसी घी है, और ये जो है ये मेरा वो है क्या कहते हैं, मैंने 3-4 दो 3 से 4 दिन पहले ये मंगाया था खोया,
सोचा था कोई एक सब्जी बनानी थी मुझे टिंडों वाली, पर वो नहीं बना पाई मैं, मेरा मन ही नहीं करा। और ये मलाई है फ्रेश, तो इन सबसे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ पंजीरी बनाने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था खोए के लड्डू बना लूँ, पर थोड़े से ही बनेंगे, खोया तो थोड़ा सा ही है, पाव है, एक पाव 90 रुपीज़ का आया इधर, यानी कि 360 रुपये किलो है। अब ये खोया ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा आज इसका कुछ कर ही देती हूँ ख़त्म, क्योंकि ये जो है ना फिर पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा फ्रिज में भी। तो बस अब मैं जो है करने लगी हूँ अपना काम, चलो शुरू करते हैं पंजीरी बनाना। डाले हैं मैंने सोचा ड्राई फ्रूट को पहले हल्का सा रोस्ट कर लूँ, ताकि इसके अंदर से वो निकल जाए, अगर कुछ भी थोड़ी बहुत सीलन वीलन सीलन नहीं, वो थोड़े से हो जाते ना बरसात के मौसम में बेकार हो जाते हैं, थोड़े मॉइस्चर आ जाता है वो निकल जाए। सीलन तो दीवारों में आती है, ये तो मैं भूल ही गई। तो चलो इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, पहले रोस्ट करके निकालती जाती हूँ, उसके बाद मैं मखाने भूनूँगी, उसके बाद मूँगफली, और सबसे लास्ट में मैं करूँगी ये जो है इनको तलना पड़ेगा, ये गोंद है इनको तलना पड़ता है, तल के फूल जाती है ये। तो पहले तो हम इसी को कर देते हैं, करके शुरू कर देते हैं काम करना, लास्ट में फिर मैं भूनूंगी आटा पंजीरी बना। अब भून रही हूँ मैं मखाने, और ये देखिए मखाने हो गए हैं, अगर ये इस तरह से करके टूट जाएं, ये देखें ये टूट गए ना, मेरा गर्म बहुत है, अगर इस तरह हाथों से टूट गए तो कहना ये हो गए हैं। बस इनको निकाल लेते हैं, स्लो गैस पे कर रही थी मैं, पहले इसको निकाल लूँ पहले, फिर मैं डालूँ मूँगफली। मूँगफली भी भून चुकी हूँ, देसी घी डाल दिया थोड़ा सा, और हम इसको धीरे धीरे करके करते हैं। ये देखिएगा गोंद है, थोड़ी थोड़ी करके करूँगी, ये देखिए देसी घी ला के ना मैंने 1 किलो रखा है, पर यूज ही नहीं करती हूँ कहीं भी, पाती खाती नहीं बिल्कुल, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई चीज़ बनानी हो तो उसी में यूज़ कर लूँगी, ठीक है ना। इसको हम ऐसे तल लेते हैं, एक एक करके सारा तल लेते हैं धीरे धीरे करके, फिर देखिए फूल जाएंगे। ये देखिए अमरूद 4-5 लेके बैठे थे, कुछ ख़राब निकला फेंक दिए, बाकी मज़े से खाने लगे हुए। वैसे लाने नहीं चाहिए अमरूद बारिश के मौसम में, आज सुबह से बारिश आ रही है, कभी रुक जाती है कभी आ जाती है। कल रात को जब हम वापस आ रहे थे ना गुरुद्वारे से, तब भी आ रही थी, तब वापस भी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी तब भी, तो घर आने के बाद फिर तेज़ हो गई थी, रात को भी बारिश आती रही है। दिल्ली पे तो बहुत जगह सड़कों पे पानी खड़ा हो गया, एयरपोर्ट की भी वीडियो देखी थी, एयरपोर्ट भी कितना कितना पानी खड़ा, हवाई जहाज के पहिए ही पानी में डूबे पड़े, अभी देखी मेरी वीडियो। तो चलो ये तो खाने में लगे हुए हैं, मैं अपना ये सारा कि मैंने ना खोया भी भून लिया है छोटे छोटे टुकड़े करके, इसको भी भून लिया है, अब बस सारा कुछ हो गया है, देखिए सारा कुछ मखाने ये भी तैयार है गोंद भी। तो बस अब मेरे को क्या करना है, बस आटा भूनना है स्लो गैस पे धीरे धीरे, ठीक है स्लो गैस पे धीरे धीरे आटा भुनेंगे हम लोग। जब तक इसमें से आटे की सोंधी सोंधी महक ना आ जाए तब तक भुनेंगे। बस हिलाते ही जाना है इसको, ठीक है, जब तक बहुत बढ़िया तरीके से भुन नहीं जाता, कच्चा नहीं रहना चाहिए आटा, इसलिए ज़रा पेशेंस से काम लेना चाहिए, हड़फाधड़फी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए और हस्बैंड क्या कर रहे हैं, अमरूद काट रहे हैं बैठ के, वो तो खा रहे हैं, काट नहीं है खा रहे हैं। अभी बाज़ार गए थे दूध लेकर आए, और साथ में बहुत सारे वो बब्बू गोशे 2 किलो ले आए, और क्या लाए, और हरा प्याज लेकर आए, मैंने बाहर रख दिया है, वो नहीं होता हाँ हरा प्याज पत्ती वाला, तो मैंने बाहर रख दिया है, बाहर मतलब रसोई से बाहर प्लेट में डाल के लिफाफे से निकाल दिया है। अदरक लेकर आए, नींबू लेकर आए, इस बार भीड़ बाजार से ज़्यादा सामान नहीं ला पाए ना, वो कुर्सियाँ लेने के चक्कर में गए हुए थे, लेट हो गए तो फिर लाए नहीं। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया ना, ब्राउनिश हो गया, और भूनते रहेंगे बस थोड़ी देर, बढ़िया सी खुशबू आएगी जब तक। चलो मैं भून लेती हूँ पहले, ये देखिए व्यूअर्स उसका कलर कितना चेंज हो गया है, ये देखिए। अब मैं सोच रही हूँ बंद कर दो, स्लो गैस पे हो रहा है। ये मैंने दो ये गुड़ लिया है, गुड़ कुछ इसमें कूंडी डड्डी पे कूट लिया है, तो ये गुड़ डालूँगी मैं, चीनी नहीं डाल रही, ठीक है, ये इसमें अपने आप ही पिघल जाएगा। और साथ में मैं डालने वाली हूँ ये खोया, खोया भी डाल देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए निकाल लेती हूँ खोया, ठीक है। अब सारा कुछ इसमें मिक्स करते हैं, अभी मेरे को वो जो ड्राई फ्रूट था ना वो भी अभी मेरे को पीस के इसमें डालना है,
अभी गैस चली रही है स्लो पे, उसकी गर्मी से सारा कुछ पिघल जाएगा गैस की। ये देखते हैं कैसा बनता है खोए वाला। अगर लड्डू बन सके तो मैं लड्डू बना लूँगी, नहीं तो इसको पंजीरी रहने दूँगी। ठीक है, कोशिश करूँगी लड्डू बन जाए। अब ये गुड़ वाला, गुड़ वाली बनेगी ना तो गुड़ वाला हेल्दी होता है, चीनी नहीं डाल रही इसमें। अब चाहो तो शक्कर भी डाल सकते हो। मैंने दो छोटे टुकड़े गुड़ के डाले हैं अच्छे से कूट के, बाद में मैं टेस्ट करके देखूँगी मतलब कैसा टेस्ट है। ये देखो अभी है थोड़ा बड़े बड़े हैं थोड़े, बीच में अपने आप ही पिघल जाएंगे इसकी गर्मी से, कोई दिक्कत नहीं। मैं गैस बंद कर देती हूँ और मैं जब तक वो उसका ड्राई फ्रूट कूट के ले आती हूँ तब तक फिर वो भी मिक्स करना है। ठीक है, ये गर्मी से ही हो जाएगा इसका सारा, पिघल जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, ये देखिए गुड़ चलो जब तक हम ड्राई फ्रूट पीसते हैं तब तक ये कुछ तो पिघल जाएगा, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। मुझे कोशिश तो करूँगी लड्डू बनाना। गुड़ है ना, इसके जो दो टुकड़े हैं ना, दो टुकड़े डाले मैंने, ये आपको दिखा रही थी मैं, और सारा सामान यहाँ पे रख दिया मैंने नीचे। गर्म तो नहीं है, अब तो ठंडा हो गया है, हल्का ठंडा, अभी हल्का हल्का गर्म है। तो मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ, और लड्डू बनाने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा दूध मिक्स करा इसमें ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाए इसमें, और मैं इसे लड्डू बना सकूँ। तो मैं शुरू करने लगी लड्डू बनाना, शुरू करती हूँ लड्डू बनाना। कितने लड्डू बनते हैं इसमें, थोड़े थोड़े टुकड़े ये ना ये गुड़ के हेच है, वो तो आराम से मैं इसे तोड़ के फिर लाऊँगी, रख तो तोड़ के चूरा करके इसमें मिक्स कर दूँगी। तो कोई टुकड़ा है गुड़ का जो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, बाकी सारा कुछ मिक्स ही है। ये देखिएगा आराम से लड्डू बन जाएंगे अब मेरे, छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं, देखते हैं कितने बड़े, ज़्यादा बड़े भी बना लें। अब भूख लगेगी ना, छोटी छोटी भूख के लिए ठीक है, इतने रोज में ड्राई फ्रूट डाले हैं। पहले भी मैंने एक बार बनाई थी लड्डू, मैंने तो एक दो बार ही बनाए हैं, पर पंजीर तो कई बार बना रखी है। ये देखिए लड्डू बन गया, इस तरह से लड्डू बना बना के रखे जाते हैं, दो चार दिन तो चलेंगे। बाकी हल मीठा ज़्यादा नहीं है, मैंने खा के टेस्ट करके देखा है हल्का मीठा है। अब देखो इसमें खोया भी मिला है तो टेस्टी भी बहुत होगा। वो खोया मेरे को यूज़ करना था ना, ख़राब हो जाता है टुकड़ा तो, मैंने सोचा चलो फिर मैं पंजीरी बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा ये दूसरा लड्डू, फिर मैंने सोचा पंजीरी से ज़्यादा अच्छा तो लड्डू ही बनाना, लड्डू बना के रखूँगी तो मज़ा आएगा खाने में। ठीक है, हस्बैंड चले गए बाहर, तो पता नहीं क्या करते हैं, हाँ ब्रेड लेने गए, अमरूद तो खा लिए उन्होंने, मुझे भी खिला दिए, और अब चले गए ब्रेड। ये देखिएगा बढ़िया है। ठीक है, लड्डू बना के डब्बे में डाल के मैं तो सोच रही हूँ फ्रिज में रखूँगी तो बेटर रहेगा। देखते हैं कितने लड्डू बनते हैं, चलो बनाती हूँ सारे लड्डू और देखती हूँ कितने बनते हैं। कहीं कोई बीच में थोड़ा थोड़ा गुड़ जो है ना वो है नहीं, पर मैं उसको हाथ से सही कर दूँ। अरे दूध मिला के मैंने बड़ा अच्छा कर दिया, दूध मिला के ना थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ गया, आराम से लड्डू बन पाएंगे। मन तो कर रहा ना बेसन के लड्डू बनाने के, पर भी मैंने कहा चलो बेसन में फिर वो खोया नहीं डलता ना। ये चार लड्डू बन चुके मेरे, मैं सारे लड्डू बना के दिखाती हूँ उनको। ये देखिए मैंने कोशिश कर रही हूँ मोदक बनाने के, मेरे मोदक बन भी रहे हैं, क्योंकि कल थी गणेश चतुर्थी, तो सबकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पर इस बार मेरे हस्बैंड गए थे मंदिर और पता लगा वहाँ पे कुछ भी नहीं बना रहे, मतलब उनका स्टाफ ही है सारा, किसी बाहर के बंदे को नहीं आने दे रहे, ये तो हमारे इधर बहुत अच्छे से बनाते थे। ये ना मैं चाकू से इसको मोदक बना रही हूँ, ठीक है आप कांटे से भी बना सकते हो इस तरह से, इसमें बस कट दिखाने हमको। ठीक है, मेरे पाँच छः तो बना लिए, मैं सारे नहीं बनाऊँगी क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिएगा कट मैंने डाल दिए, और अभी थोड़े अच्छे से कट लिए, मैं दोबारा डालती हूँ। ये देखिएगा चाकू से ऐसे बस एक बीच में कट मार दिया, कांटे फॉक्स से भी कर सकते हो आप। ये देखिए अच्छा लग रहा है, मोदक वाली शेप अच्छी लग रही है। बस हो गया, बस यहाँ से थोड़ी सी शेप दे दो इसको, ऐसी मोदक लग रही है मोदक। तो देखिए मैंने बनाए कितने मोदक, तीन छः सात मोदक बना लिए। ठीक है, तो बाकी मैं सोची लड्डू बना लूँ क्योंकि मोदक में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, एक और बना लेती हूँ, आठ हो जाएंगे। ठीक है, जब पूरे बन जाएंगे तब देखिए। बस सारे लड्डू बन गए, काम खत्म हो गया, टाइम हो गया साढ़े नौ तक बने लड्डू, देख लीजिए टाइम तो लगता ही है ना। अब मैं खा के देखती हूँ, पहले भाई गुड़ वाले लड्डू हैं, चीनी तो डाली नहीं है, खोया भी डला है, तो खा के देखते हैं अब आएगा मज़ा खाने में। बीच में मैंने ना दूध मिक्स कर दिया ताकि वो बाइंड हो जाए,
तो लास्ट में भी थोड़ा सा बच गया था, मुझे सूखा सूखा उसमें भी दूध थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना लिए। ज़्यादा भी मीठा नहीं है, ठीक ठाक है। बाती बाजार से लाने को कह रही थी कि भाई गणेश चतुर्थी है मोदक लाओ, मैंने फिर दो दो तीन वीडियो देखी, मैंने कहा चलो मैं खुद ही ट्राई कर लेती, मैं खोया तो लाई रखा है मैंने, पूरे खोए के भी बन सकते थे पर वो बनते बहुत थोड़े, अब कम से कम दो चार दिन तो निकलेंगे हमारे खाने में। पति को खाना खाएगी नहीं खाना उसकी मर्जी है, उसको दिखा के आ गई थी मैं, ठीक है। बहुत टेस्टी है, ड्राई फ्रूट का भी क्रंची टेस्ट आ रहा है और आटा भी डाला है, खोया भी डाला है, भाई एक लड्डू खा के ना थोड़ा पेट भर जाएगा, मतलब कि आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है। तब चलो मैं सारी किचन समेट लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। बस वो छोले तो उबले पड़े हैं, उसका तड़का तैयार करके लगाना है और पूछ लेना रोटी खानी चावल खाने जो खाने साथ में बना दूँगी, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा।